एक समय में सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे जो अत्यंत बलवान थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी से व्यथित होकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की दिन रात तपस्या की व उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। सुकेतु ने भगवान ब्रह्मा से संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की जो अत्यंत बलवान हो। भगवान ब्रह्मा ने सुकेतु की इच्छा स्वरूप उसे बलशाली संतान प्राप्ति का दान दिया। इसके बाद सुकेतु को ताड़का नाम की पुत्री मिली जिसमें 1000 हाथियों के बराबर बल था। ताड़का अत्यंत बलवान होने के साथ साथ सुंदर स्त्री भी थी। इस कारण सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक एक राक्षस से करवा दिया। सुंद व ताड़का के दो पुत्र हुए जिनके नाम सुभाऊ व मारीच थे। सुंद राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण ऋषि मुनियों को तंग किया करता था। वह प्रतिदिन ऋषि मुनियों के यज्ञ को ध्वस्त करना व उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने का कार्य किया करता था। एक दिन उसने महान ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। अगस्त मुनि ने यह देखकर सुंद को श्राप दिया जिसकी वजह से वह वहीं जलकर भस्म हो गया। जब ताड़का को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई व अपने दोनों पुत्रों के साथ अगस्त ऋषि पर हमला करने के लिए दौड़ी। चूँकि अगस्त ऋषि ताड़का के महिला होने के कारण उसका वध करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बिना उसका वध किए उसे परास्त किया व साथ ही उसे एक सुंदर स्त्री से अत्यंत कुरूप महिला बन जाने का श्राप दे दिया। तब से ताड़का एक नरभच्छी व कुरूप स्त्री बन गई। ऋषि के श्राप के कारण उसके दोनों पुत्रों की भी यही दुर्दशा हुई। इसके बाद अगस्त मुनि के प्रकोप से बचने के लिए ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या नगर में सरयू नदी के किनारे वन में आकर रहने लगी। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस वन के सभी ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया। अब वह और उसके दोनों पुत्र अपनी शक्ति से वहां के ऋषि मुनियों को मारकर खा जाते थे व उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाते थे। ताड़का के प्रकोप के कारण उस सुंदर वन को भी ताड़का वन के नाम से जाना जाने लगा। उसी वन में महान ऋषि विश्वामित्र की भी कुटिया थी जो प्रतिदिन यज्ञ करके देवीय अस्त्रों इत्यादि का निर्माण किया करते थे, किंतु ताड़का व उसके दोनों पुत्रों द्वारा उनके यज्ञ में निरंतर बाधा उत्पन्न की जा रही थी जिस कारण वे अपना यज्ञ पूरा नहीं कर पाते थे व अस्त्रों का निर्माण कार्य भी रुक जाता था। एक दिन जब वे महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे तब सुभाऊ व मारीच ने आकर उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए। चूँकि विश्वामित्र के पास इतना पराक्रम व अस्त्र शस्त्र थे जिससे वे स्वयं ताड़का व उसकी सेना का नाश कर सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे अयोध्या के राजा दशरथ के पास सहायता मांगने के लिए गए व उनसे उनके बड़े पुत्र राम को अपने साथ चलने को कहा। दशरथ ने विश्वामित्र जी के साथ राम व उनके छोटे भाई लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। तत्पश्चात अयोध्या के दोनों राजकुमार राम व लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम की सुरक्षा करते थे। एक दिन जब विश्वामित्र जी अन्य ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे तब सुभाऊ व मारीच उन पर आक्रमण करने आए। भगवान श्री राम ने अपने धनुष बाणों से सुभाऊ का वध कर दिया व मारीच को घायल कर दूर दक्षिण दिशा में समुद्र के पास गिरा दिया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को ताड़का का वध करवाने के लिए लेकर गए। शुरू में भगवान राम ताड़का का वध करने से हिचकिचाए क्योंकि धर्म उन्हें स्त्री हत्या की अनुमति नहीं देता था, किंतु महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें ताड़का का वध करने का आदेश दिया। चूँकि ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने बाणों से ताड़का का वध कर दिया। भगवान राम के द्वारा वध करते ही ताड़का को अगस्त मुनि के श्राप से मुक्ति मिली व साथ ही इस कुरूप व नरभच्छी रूप से भी मुक्ति मिली। स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा वध होने के कारण ताड़का को मोक्ष भी प्राप्त हुआ।